दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन आइडल के तीन ऐसे कंटेस्टेंट के बारे में जिनको इंडियन आइडल से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में उन्हीं कंटेस्टेंट ने फिर से इंडियन आइडल में आकर इंडियन आइडल में तबाही ला दी और इंडियन आइडल को उनकी औकात दिखा दी। और दोस्तों तीसरे सिंगर के बारे में जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे, तो तीसरे सिंगर को बिल्कुल भी मिस मत करना। दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही मस्त मस्त वीडियो मिलते रहे। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आपको ये तीनों सिंगर इंडियन आइडल 13 में ही देखने को मिल जाएंगे। तो पहले सिंगर है अमरजीत जयकर। जी हाँ दोस्तों, अमरजीत जयकर ने इंडियन आइडल सीजन 13 का ऑप्शन दिया था, लेकिन वे इसके अंदर रिजेक्ट कर दिए गए और इसके लिए उन्हें काफी दुख भी हुआ था। इसका व्लॉग भी उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था, लेकिन बाद में उनकी किस्मत ऐसी पलटी कि आप सभी लोग जानते ही हैं। अमरजीत जयकर के सिंगिंग सोशल मीडिया पर कुछ इस कदर वायरल हुई कि विशाल दलाली ने खुद कमेंट किया और टोनी कक्कर ने इंडियन आइडल में उन्हें लाकर कुछ इस तरह इंट्रोड्यूस किया कि इंटरनेट पर तबाही आ गई। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे मिलवाऊं उसको। रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा। आगे क्या? ये स्टेज लोगों को स्टार बना के ही छोड़ता है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दे दिया है जा, तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। अमरजीत जयकर को ना सिर्फ इंडियन आइडल में फिर से बुलाया गया, बल्कि उन्हें विशाल ददलानी और हिमेश रेशमिया की तरफ से बहुत सारे सॉन्ग भी गाने को मिले। मैं चाहूंगा कि आप हमारे स्टूडियो आए, शेखर से मिले, हम दो चार गाने साथ। दो चार, मैं तुम्हें एक लाइन गवाना चाहता हूँ, अगर तुम अच्छा गा गए तो वो गाना तुम्हारा। दर्द बे खुदी मेरी, दर्द बे खुदी मेरी। वो गाना अब तुम्हारी आवाज में रिकॉर्ड होने जा रहा है। तेरे बिन अधूरी है दर्द बे खुदी मेरी। और जो हिमेश रेशमिया ने उन्हें पहला सॉन्ग गानों को दिया था, वह सॉन्ग अभी भी टॉप 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है। और आपको बता दें कि अमरजीत जयकर की पॉपुलैरिटी अभी इतनी है कि इंडियन आइडल में अभी किसी सिंगर की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो दोस्तों अमरजीत ने आखिरकार इंडियन आइडल को उसकी औकात दिखा ही दी। अब बढ़ते हैं दूसरे कंटेस्टेंट की तरफ। दूसरे कंटेस्टेंट है रितु रेबा, जिन्होंने इंडियन आइडल की नींव ही हिलाकर रख दी। आपको बता दें कि रितु रेबा ने इंडियन आइडल के अंदर ऑडिशन दिया था, लेकिन उन्हें कुछ कारण बताकर रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद रितु रेबा ने इंडियन आइडल की टीम को मैसेज किया और कहा कि आप सभी लोग बिके हो, आप आजकल टैलेंट को नहीं देखते हो, आजकल आप लोगों ने सिंगिंग को भी धंधा बना रखा है। ऐसे बहुत सारे कमेंट किए थे, लेकिन इसके बाद इंडियन आइडल की टीम ने रितु रेबा को इनवाइट किया ऑडिशन के लिए और रितु रेबा ने इंडियन आइडल में जाके ऑडिशन भी दिया। हाय ब्रदर, क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज रितु रेबा। रितु रेबा, कैसी लगी लागी लगन तुझसे जाना, एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना। यहाँ पर इंडियन आइडल अपनी इमेज सुधारना चाह रहा था दर्शकों के सामने कि वह फेक नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंडियन आइडल का पासा उन पर ही उल्टा पड़ गया। इंडियन आइडल के ऑडिशन में वह सारे मैसेज दिखाए गए जो कि रितु रेबा ने इंडियन आइडल की टीम को किए थे। दिन पहले आपकी हमारे टीम मेंबर से कुछ बातें हुई है। yes, है ना? yes, आपको दिखाई देता हूँ मैं। सो योर सो कॉल्ड इंडिया के सबसे बड़ा सिंगिंग मंच यू गेन टीआरपी जस्ट लाइक इंडियन आइडल चीप शोस मैन, व्हाट इज दिस। इसे देखकर विशाल दलानी तो एक बार इंडियन आइडल की ऑडिशन में गुस्सा हो गए। उन्हें लगा कि ये सिंगर तो स्कैम है, ये सिंगर तो एवी है, इसको कुछ गाना आता नहीं है, इसलिए इंडियन आइडल की टीम ने इन्हें रिजेक्ट किया होगा। तो उन्होंने कहा कि आप गाना गा के सुनाओ, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये शो स्कैम है या नहीं। लेकिन रितु रेबा ने जो गाना गाया उसको सुनकर इंडियन आइडल के जज के पांव तले जमीन खिसक गई। नेहा को आपके गाने से गूसबम्स आ रही थी, आंसू आ रहे थे, अभी तक आंखें गीली है। आप किसी और दुनिया में ले गए रितु, इसका अगर फीमेल वर्जन बने तो मैं गाना चाहूंगी। अरे श्योर, मैं व्हाई नॉट। क्योंकि रितु रेबा ने ना सिर्फ अच्छा गाया बल्कि वह गाना उनका खुद का कंपोज किया हुआ था और उन्होंने वह गाना इंडियन आइडल के जज को भी सिखाया। आप सिखाएंगे? श्योर सर, सिखा दूंगा सर। क्या है, व्हाट वाज द कंपोजिशन? हिंदी वन। हाँ, दिल ने जिसे हरदम अपना माना, एक तू ही है दिल ने जिसे तुझसे है जाना। मारूं मैं
तुम सबको गवाओगे और हमें नहीं गवाओगे? नहीं सर, आपको गवाओगे। तो ये लाइन मुझे भी सिखा दे और मैं भी अपनी नेजल टोनल क्वालिटी में गा के ट्राई तो करूं। तो आप देख रहे हो ना कि कितने अच्छे अच्छे टैलेंट को इंडियन आइडल से रिजेक्ट किया गया था। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है। मेन चीज आती है थिएटर राउंड के अंदर। जब इंडियन आइडल के थिएटर राउंड में इतर युवा की परफॉर्मेंस की बारी आती है, तब हिमेश रेशमिया उन्हें चैलेंज करते हैं कि आप अभी के अभी कोई गाना कंपोज करके गा के बताओ। तुम एक ब्यूटीफुल रोमांटिक सिचुएशन देता हूँ मैं तुम्हें, नेहू और रोहू की मोहब्बत के ऊपर। सडनली प्यार भरा कोई नगमा, कोई प्यारा सा गीत अगर तुम अभी इसी वक्त कंपोज कर लो, तो हम मान जाएंगे कि तुम सचमुच एक धुरंधर कलाकार हो। जतनु धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा। इधर ही उसी वक्त एक गाना कंपोज करते हैं और सुनाते हैं, लेकिन उसी के बेसिस पर वे इंडियन आइडल से एलिमिनेट भी हो जाते हैं। सो वो दो लोग जो आगे जा रहे हैं टॉप 14 में, वो हैं चिराग विनी। इसके दम पर इंडियन आइडल को बहुत हेट मिल रहा होता है कि इधर युवा को गाने के लिए टाइम नहीं दिया गया, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए टाइम नहीं दिया गया और उनका बेस्ट नहीं था। साथ में यह भी कहा गया कि रितु रिबा ने इंडियन आइडल के खिलाफ बोला था, इसलिए उन्हें इंडियन आइडल से निकाल दिया गया। रितु रिबा को एलिमिनेट करने के कारण इंडियन आइडल को भारी नुकसान हुआ और उसे काफी ज्यादा हेट मिला। इंडियन आइडल की टीआरपी रेटिंग भी गिरती चली गई और रितु रिबा को इंडियन आइडल से निकलने के बाद बहुत ज्यादा फायदा हुआ, जो कि शायद उन्हें इंडियन आइडल में रहकर भी नहीं मिलता, क्योंकि जो पॉपुलैरिटी है इंडियन आइडल के किसी भी कंटेस्टेंट से कहीं ज्यादा बढ़ गई। साथ ही रितु रिबा को बहुत सारे शोज भी मिलने लगे और इंस्टाग्राम पर उनकी फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगी। और आपको बता दें कि रितु रिबा ने इंडियन आइडल के ऑडिशन में जो सॉन्ग गाए थे वह भी काफी ज्यादा वायरल हुए और अब उनके भी एल्बम आ चुके हैं। तू ही है दिल ने जिसे हर दम अपनी हीर में तेरा रंजा करता हूँ मैं तुझसे ये वादा। बहुत ज्यादा हिट मिलने के कारण इंडियन आइडल के जजेस विशाल दलानी ने भी उन्हें हेल्प करने की बात कही। तो चलिए अब बात करते हैं इस लिस्ट के तीसरे और आखिरी कंटेस्टेंट के बारे में। तीसरे कंटेस्टेंट का नाम सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। तीसरे कंटेस्टेंट है ऋषि सिंह। जी हाँ दोस्तों, ऋषि सिंह को इंडियन आइडल 2019 के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया था और उनकी सिंगिंग की वीडियो भी कहीं पर लापता हो गई थी। लेकिन इंडियन आइडल सीजन 13 के ऑडिशन के अंदर ना केवल उन्होंने धमाल मचाया, बल्कि आज वे इंडियन आइडल को जीतने की कगार पर है और इंडियन आइडल के सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट है, जिनको विराट कोहली भी फॉलो करते हैं। विराट, क्या बात है यार। कोहली वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर विराट कोहली है, 255 लोगों को फॉलो करते हैं, जिसमें से एक है हमारे ऋषि सिंह। ओह माय गॉड। तो दोस्तों ये थे तीन हीरा जिनको इंडियन आइडल ने रिजेक्ट कर दिया था। तो आपकी इन तीनों सिंगर के सिंगिंग के बारे में क्या राय है, आपकी इंडियन आइडल शो के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।